The God's Palace Resort, Ganga Facing, Restaurant, Party House, Destination Wedding. 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य होल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कांवड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। मेरठ में बीते कुछ समय से बदमाशों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। आज मेरठ के थाना प्रतापपुर क्षेत्र के कुंडा स्टेशन के पास बिल्डिंग मटेरियल व्यापारी अमन कसाना को नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद उन्हें गंभीर हालत में शास्त्री नगर के कैपिटल नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बता दें कि कुंडा गांव के रहने वाले अमन कसाना की प्रतापपुर क्षेत्र में बिल्डिंग मटेरियल नाम से दुकान है, जहां आज बदमाशों ने उन्हें उन्हीं की दुकान पर दिन दहाड़े गोली मार दी और नकाबपोश बदमाश मौके से फरार हो गए। आसपास के लोगों ने बताया कि बदमाशों के पास पल्सर बाइक थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी कैमरे भी पुलिस खंगाल रही है। इस घटना के बारे में कुछ लोगों ने यह जानकारी दी। भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम काजू पसाना जी। हमारा भतीजा अमन, यहाँ रोड जस्ट की दुकान है हमारी, दुकानों में तो आए, हमें तो अभी खबर लगी तो हम आए तो शताब्दी नगर से तुरंत जी, और उसके गोली मार के मार देते बाईपास। पुलिस मौके पर आई है क्या? हाँ, पुलिस आ गई, हम भी अभी आए। छोटे, क्या नाम है? मेरा गौरव। कहाँ के रहने वाले? क्या घटना हुई यहाँ पर? क्या घटना हुई यहाँ पर, क्या मामला हुआ? भाई साहब मेरे साथ खड़े थे, बातचीत कर रहे थे, तो बातचीत करते समय यहाँ पल्सर रुकने ब्लैक कलर की, रुकने के बाद एक हल्की सी उम्र का था लड़का, जो फायरिंग करके गया यहाँ, दो पिस्टल ले रहे थे जी। फायरिंग करने के बाद वो सीधे चले, इधर से आए थे और इधर से पहुंचे थे। किस कलर की बाइक थी? ब्लैक कलर। मैंने ध्यान न दिया एकदम, एक पैर में लगी, यहाँ की साइड में लगी, पैर में लगी। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। बनी रहेगी हमारी हर खबर पर नजर, देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार।